सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कामयाब लोगों की चमक तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच ना हो तो तरीका बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महान पुरुष ने सच ही कहा था कि जब पुस्तकें सड़क किनारे बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। आज का पंचांग 13 नवंबर 2022 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 12:51 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 10:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सम 4:20 से 5:43 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 6:30 तक 14 नवंबर तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। सूर्य नक्षत्र विशाखा। कन्या राशि 13 नवंबर 2022 दिन रविवार, यदि आप आज थोड़े से धीरज और सहनशीलता के साथ काम ले तो आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन धीरज बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। समय भी आपको रेंगता सा अनुभव होगा और आप जिस गति से चाहते हैं उससे काम नहीं हो पाएंगे। अगर आप जल्दी भी मचाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। खुद को शांत रख पाने की किसी क्रिया के साथ दिन की शुरुआत करें। बीमारी या नुकसान से आज आप जीवन को अलग नजरिए से देख सकते हैं। आप जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनके बारे में दूसरों से बातचीत करें। भटकाव या एक छोटी सी यात्रा आपको नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। उन बुराइयों से बचे जो आपको भ्रमित कर दे, या इसकी जगह अपनी कला या प्रियजनों की संगति का मजा लें। नशा और नाश में थोड़ा सा ही अंतर होता है। यह समय अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अपने आध्यात्मिक पक्ष के संपर्क में रहने के लिए शानदार है। अगर आप शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं तो उन तरीकों की तलाश करें जिनसे आप अपने रिश्तेदारों या पड़ोसी की मदद कर सकते हैं। खुद को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। मानसिक शांति के लिए आपकी खाली बैठने की आदत खतरनाक साबित हो सकती है। धन से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। वैवाहिक संबंध में बंधने के लिए अच्छा समय है। आज आप महसूस करेंगे कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा है। अगर आप व्यवसाय में किसी नए भागीदारी को जोड़ने पर विचार कर रहे हैं तो यह जरूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्य अच्छी तरह जांच लें। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण प्रदान करेंगे जिसकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। जहां तक संभव हो बात को बढ़ने ना दें। अपने कार्यों को जल्दबाजी के बजाय सही तरीके से पूरा करने से सुगमता रहेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजनाएं बनेगी। साथ ही अचानक ही कोई शुभ समाचार मिलने से अत्यधिक खुशी महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी शुभ अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। बेचैनी और चंचलता के कारण भी जरूरी काम को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। जितना ध्यान मौज मस्ती पर दे रहे हैं उतना ही ध्यान काम पर भी देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण कामों को दिन की शुरुआत में निपटाकर अन्य बातों की ओर ध्यान देने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को ठीक से समझना होगा। पार्टनर के साथ बातचीत करते समय पुरानी बातों का ज्यादा जिक्र ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पेट से संबंधित समस्या या गैस की तकलीफ बढ़ने की संभावना है।
सावधानियाँ। घर के वातावरण को अनुशासित बनाकर रखना अति आवश्यक है, इससे बच्चों के व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। पैसे संबंधित उधारी लेने या देने से परहेज करें, वरना इस वजह से संबंध खराब हो सकती हैं। बात करती हैं लव लाइफ की। कुछ समय पारिवारिक सदस्यों का एक साथ रहने से आपसे सामंजस्य और अधिक बेहतर होगा। मित्रों के साथ भी मेल मुलाकात का दौर रहेगा। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आने वाली है, इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही प्रभावित होंगे। इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ना दें। इसके स्थान पर उनकी हर भाव गंभीरता को निष्पक्ष होकर जांचें। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। आज समय अपने उन रहस्यों को शेयर करने का है जो आपको परेशान कर रहे हैं। अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करें और उनके साथ ईमानदार रहें। हाल में हुई किसी नुकसान के बारे में दूसरों को जानकारी दें या बताएं। इस चरण में आपको लोगों को अधिक समझना और सुनना चाहिए। गलत या रिस्क योर निर्णयों को नज़रअंदाज करें। अगर रिश्ते में समस्या है तो उन्हें थोड़ा वक्त दें या दूरी बना लें। इससे आपको उन समस्याओं से राहत मिलेगी जो अभी आप पर हावी है, और आपको अपना रोमांटिक रिश्ता शुरू करने का मौका मिलेगा। बात करती हैं करियर की। आज किसी हालिया बाधा से हुई चिंताओं के बारे में दूसरों से बातचीत करें और उन्हें अपनी भावनाओं को भी बताएं। अतीत का प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। कोई निर्णय लेने से पहले अपने विचारों को अच्छी तरह से लिख लें। घर की मरम्मत या जरूरी खरीदारी जैसे अनियोजित घटनाओं के लिए आप किसी भुगतान या धन खर्च का इंतजार कर सकते हैं। खर्च करने से पहले थोड़ी पूछताछ कर लें। किसी भी तरह से अपने पार्टनर का समर्थन करें, क्योंकि उनका परिवार इस समय किसी नुकसान या तनाव का सामना कर सकता है। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उनकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं, जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको ये निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से जुड़े रहकर कुछ करना चाहते हैं जिससे आपके वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े, या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। व्यावसायिक मामलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप होने से दिक्कतें बढ़ सकती है। इस समय सभी निर्णय खुद ही लेना उचित है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को तरक्की या स्थान परिवर्तन संबंधी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आज अपने जीवन में आपको पूरी तरह से सतर्क रहना भी चाहिए। आपको बोलना कम चाहिए, जबकि दूसरों को ध्यान से सुनना भी चाहिए। आप इस समय थोड़ा अजीब बोरिंग और विचलित महसूस कर सकते हैं। ऐसी प्रतिबद्धताओं से बचें जिन्हें आप पूरा ना कर पाएं। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने पैरों का ध्यान देना होगा। आप ऐसे नौकरी करते हैं जिसमें आपको पैरों का बहुत प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए आपको और भी अधिक ख्याल रखना है। जूते और जुराब नियमित रूप से पहनें। अगर कुछ दर्द महसूस हो तो आधे घंटे तक पैरों पर मसाज करें या पैरों को गर्म पानी में डुबोकर रखें। अगर दर्द बढ़ जाए तो नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। आज का उपाय, आज अब सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।